अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे मटन का आलू कीमा। और मटन का आलू कीमा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैंने हाफ के जी मटन लिया है, ये मैंने हाथ का लिया है, मशीन का कीमा नहीं लिया। एक कप मैंने ऑयल लिया है, एक टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च ली है, एक पूरी लहसुन की मैंने कली उसको छील लिया, 8 से 10 क्लोव है, हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, एक टेबलस्पून मैंने अदरक ली है, एक टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, एक मैंने दालचीनी का पीस लिया है, एक मैंने बादियान का फूल लिया है, एक मैंने मोटी इलायची ली है, 8 मैंने काली मिर्चें ली हैं, 2 लौंग लिए हैं, एक हाफ टी स्पून चाट मसाला लिया है, हाफ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, सॉल्ट टेस्ट के मुताबिक 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं और 3 मीडियम साइज़ के टमाटो लिए हैं। उनको मैंने ग्राइंड करके उसकी प्यूरी बना ली है, पेस्ट बना ली है। और 3 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस में काट लिया है और 2 मैंने मीडियम साइज़ के पोटैटो लिए हैं, उसको मैंने ऐसे स्लाइस में काट लिया है। पैन लेंगे, मैंने कुकर लिया है, मैं इसे 5 मिनट के लिए या 8 मिनट के लिए वेट दूंगी। इसमें 1 कप में ऑयल डालूंगी, ऑयल को थोड़ा गर्म होने दूंगी, फिर इसमें मैं अपने साबुत मसाले डालूंगी, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च। अब मैं इसमें अपना कीमा ऐड कर दूंगी। 1-2 मिनट के लिए कीमे को मैं ऑयल में फ्राई करूंगी। अब मैं जीरा इसमें ऐड कर दूंगी। अदरक की पेस्ट जो मैंने बनाई थी वो ऐड कर दूंगी। साबुत लहसुन लिया है मैंने, वो ऐड कर दूंगी। अब इसमें मैं नमक ऐड करूंगी। सॉल्ट टेस्ट के मुताबिक आप कर लेना एडजस्ट। अब चॉप में ऑनियन डाल दूंगी। इसको 5 मिनट के लिए मैं अच्छे से कुक करूंगी। पांच मिनट हो गए, कीमे का सारा पानी हमारा खुश्क हो गया है। अब इसमें हल्दी डालूंगी, लाल मिर्च डालूंगी, दो हरी मिर्चें साबुत ही डाल दूंगी मैं। ये हरी मिर्चें मेरी बहुत थिकी हैं, इसलिए मैं ग्राइंड करके नहीं डाल दी। अब इसमें मैं 1 गिलास पानी डाल के इसे 5 से 10 मिनट के लिए वेट दे दूंगी। मैंने 8 मिनट वेट देना है इसको, मटन है जल्दी कुक हो जाता है। अगर आप वेट नहीं देना चाहते तो 1 गिलास पानी डाल के इसको 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लें, मटन गल जाएगा। अब इसको वेट देके मैं रख दूंगी। ये देखें, वेट मैंने खोला है, हमारा मटन अच्छे से गल गया है। अब मैं जो टमाटर की प्यूरी बनाई है वो मैं ऐड कर दूंगी इसमें। इसको 5 मिनट के लिए कुक करूंगी ताकि टमाटरों का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून जो धनिया पाउडर लिया था वो ऐड करूंगी। अब दालचीनी और बादियान का जो फूल लिया है वो ऐड कर दूंगी। इसका कीमे में बहुत अच्छी खुशबू आएगी इससे। 5 मिनट कुक करूंगी, साथ ही मैं अपने इसमें आलू ऐड कर दूंगी ताकि आलू भी हमारे साथ से भुनाई हो जाए। इसको 5 मिनट के लिए मैं भूनूंगी कीमे को और आलू को अच्छे से। ये देखें, आलू पर आ गया है, कीमा हमारा अच्छे से
फ्राई हो गया है। अब इसको हरे धनिया के साथ मैं गार्निश कर दूंगी। हरी मिर्च डाल दूंगी, आलू कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। ये मैंने मटन का कीमा लिया है, आप बीफ का भी सेम इसी तरह बना सकते हैं। बहुत ही मजे का और डिलीशियस बनेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।